engines are proceeding back, sir. We have lost engines. Confirm, you are carrying out Delhi and runway available to land at 25. Sir, Mayday, Pakistan at 303. सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू चैनल। आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो आज का ये वीडियो कोई एमी सीरीज के ऊपर नहीं होने वाला है। आज जो पाकिस्तान में हुआ, ये एज एविएटर, चाहे आप इंडिया के हो, चाहे आप पाकिस्तान के हो, चाहे आप नेपाल के हो, चाहे आप भूटान के हो, चाहे आप अमेरिका के हो, चाहे आप इंग्लैंड के हो, अगर आप एविएटर हो तो ये कहीं ना कहीं तो हर्ट करता ही है कि एक ऐसा जहाज एयरबस A320 जो कि ऑटोमेटेड जहाज माना जाता है, फ्लाई बाय वायर से डिजिटली फ्लाई करता है, इतना एडवांस जहाज जब क्रैश कर सकता है तो कहीं ना कहीं दिमाग में तो ये क्वेश्चन आता ही है कि क्या हम लोग सचमुच फ्लाई बाय वायर पे रिलाय कर सकते हैं। तो आज का वीडियो इसी एक्सीडेंट के ऊपर होने वाला है, तो वीडियो अंत तक देखिएगा, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की जहाज एयरबस A320 करीब 90 पैसेंजर एंड 8 क्रू के साथ लाहौर से टेक ऑफ करती है कराची के लिए पाकिस्तानी स्टैंडर्ड टाइम करीब 1 बजे। कराची पहुंचने वाली होती है, रनवे अप्रोच करने वाली होती है कि 10 मिनट पहले कम्युनिकेशन फेलियर हो जाता है, लैंडिंग गियर रिट्रैक्ट नहीं होता है, इंजन फेलियर हो जाता है। बट ये फेलियर इतना बड़ा था कि उसको इंजन शट डाउन करना पड़ता है। अगर इस दौरान वो इंजन स्टार्ट रखेगा तो उसमें आग लगने का भी संभावना बन सकता है। सो हालांकि ATC ने उसको लैंड करने का परमिशन दे दिया, बट लैंडिंग करने से पहले ही ये जहाज क्रैश कर गया और उसमें बैठे 90 पैसेंजर एंड 8 क्रू मेंबर की जान चली गई। एंड पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार जो जहाज है ये किसी रिहायशी एरिया के ऊपर गिरा जहाँ पे बहुत सारे मकान में आग लग गया। तो ये जहाज क्रैश करने के जस्ट पहले क्या बातचीत हुआ पायलट और ATC के बीच में, आइए सुनते हैं। We have lost engine. Confirm, you are carrying out Delhi and runway available to land at 25. Sir, mayday, Pakistan at 303. Pakistan at 303, roger, sir, both runways available to land. Proceeding back, sir. We have lost engines. Confirm, you are carrying out Delhi and runway available to land at 25. Sir, mayday, Pakistan at 303. तो जैसा कि आप इस ऑडियो में सुन पा रहे होंगे, पायलट बोल रहा है मेडे। मेडे एक इंटरनेशनल लैंग्वेज होता है। अगर कोई भी पायलट को लगता है कि ये जहाज अब क्रैश कर सकता है, क्रैश करने से बचाना बहुत ही मुश्किल है, तो इसलिए पायलट मेडे बोल रहा है और एयर ट्रैफिक कंट्रोल उसको बोल रहा है कि बोथ रनवे आर क्लियर टू लैंड। तो ये ऑडियो सुनने के बाद ये क्लियर हो जाता है कि पायलट ATC को बोल रहा है कि मेरा इंजन खराब हो चुका है, इंजन फेलियर हो चुका है और बेली लैंडिंग का परमिशन मांगता है। तो बेली लैंडिंग का परमिशन उस केस में मांगते हैं जब आपका लैंडिंग गियर रिट्रैक्ट नहीं होता है, तो इसमें लैंडिंग गियर रिट्रैक्शन का भी फेलियर है। लैंडिंग गियर भी नहीं खुल पाता है, बेली लैंडिंग भी नहीं हो पाता है और रनवे पे अप्रोच करने से 10 मिनट पहले जहाज क्रैश कर जाता है। सो ये सब कुछ बातें हुई एक्सीडेंट के जस्ट पहले। तो थोड़ा सा मैं इस जहाज के बारे में आप लोगों को बता दूं कि ये जहाज जो क्रैश किया, ये एयरबस A320 द मोस्ट एडवांस्ड एयरक्राफ्ट ऑफ दिस जनरेशन, जो कि फ्लाई बाय वायर, जो कि डिजिटली फ्लाई बाय वायर से ऑपरेटेड है। सो इतना सोफेस्टिकेटेड जहाज होते हुए भी ये क्रैश कर गया। सो लास्ट में क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर गलती किसका है, किसके लापरवाही से इतना बड़ा हादसा हुआ। तो हालांकि ये तो ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद इन्वेस्टिगेशन होगा, इसके बाद मालूम चल जाएगा कि ये किसका गलती है, क्या है। बट अगर इंजीनियरिंग फील्ड से गलती है, अगर मैकेनिकल फील्ड से गलती है, तो यार ये तो बहुत ही दुखद की बात है। तो चलिए मैं आपको एक छोटा सा वीडियो फुटेज दिखाता हूँ। धुआं है और तस्वीरों में जो आप सबर जिसका जिक्र कर रहे हैं वो काफी घनी आबादी वाला इलाका दिख रहा है सर, काफी पास पास के घर और कुछ लोग छत। Very strange, beautiful, clear day, but right now it points to a mechanical failure rather than weather-related problems that would have caused the crash. And speaking to that, what can you tell us about this plane? It's an Airbus A320. Historically, had there been any problems with this type of plane? No, it's a great airplane. It's one of the most widely flown airplanes around the world. PIA is the national airline of Pakistan. It has a spotty record in terms of safety, but the A320 is a great airplane, and so very, very strange. And I think that investigators will be looking at some sort of mechanical problem that was contributing to the crash. But a tragic development indeed. Colonel Steve Gagnon. तो ये जो वीडियो फुटेज है ये आप लोगों ने देखा, इससे क्लियर पता चलता है कि कितना बड़ा डैमेज हुआ है। इसमें एक और चीज क्लियर हो गया कि वेदर के वजह से नहीं हुआ है एक्सीडेंट, ये मैकेनिकल फेलियर की वजह से एक्सीडेंट हुआ है। और इसमें बताया जा रहा है कि इतना सोफिस्टिकेटेड एयरक्राफ्ट है, जैसा कि आपने वीडियो में भी देखा,
तो ये क्रैश कैसे किया, क्या हुआ, ये तो बाद में मालूम चल जाएगा। सो ये था ये पूरा एक्सीडेंट का कहानी जो आज हुआ है। सो इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गुड न्यूज देने वाला हूँ आप लोग को एविएशन से रिलेटेड, और मिलते हैं किसी नए और एक्साइटिंग वीडियो में। टिल देन डू व्हाट एवर यू वांट टू डू, डू डबल बट डोंट ट्रबल एनीबॉडी, एंड यस स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू।